अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं डिश लेके तो नहीं हाजिर हुई, लेकिन आपके सामने मैं शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए और वो लोग जो पतला होना चाहते हैं, स्लिम और स्मार्ट होना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक नया नुस्खा लाई हूँ जो कि बहुत इफेक्टिव है और आजमूदा है। उसको मैंने खुद अपने पे आजमाया है और ये मैं पानी में नहीं रखा हुआ है उबलने के लिए। ये देखें बस होने वाला है, ये थोड़ी सी देर है। तो बहरहाल ये मैंने एक अमरूद की ये टहनी ली है, देख लें इतने 5 पत्ते होने चाहिए इसमें, 5 लीव्स ये डाल दिए इसमें। और ये मैंने 1 टीस्पून जो है ये मैंने डाला है उसका पुदीने का, और इसमें ये एक पूरा आंवला बनता है, ये खुश्क आंवला है। ये देखें 4 पीस मिलाएंगे तो ये एक फूल बन जाएगा, तो एक अदद ये है। और ये सौंफ है, ये भी 1/2 टीस्पून है, और चुटकी भर मैंने वो क्या कहते हैं उसको, अजवाइन, वो मैंने ली है। तो अब ये मतलब इसको हमने पकाना है, यानी कि ये इसको 2-3 दफा इसको मतलब ये उबल जाएगा, तो फिर हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे और उसके बाद थोड़ी देर के बाद 5-10 मिनट के बाद ढक्कन को हम साइड पे कर देंगे। वो ढक्कन इसलिए रखना ताकि वो अच्छी तरह से उसमें मिक्स हो जाए, और उसके बाद फिर आप इस पानी को यूज करें। मतलब आपने पानी पीना है दिन में, जितनी दफा भी पीना है आपने यही यूज करना है, और आपको रोजाना ये करना पड़ेगा। और आप खुद देखेंगे आपका शुगर लेवल, आपका कोलेस्ट्रॉल और जो आपके मोटापा है वो कम से कम होता जाएगा, लेकिन आपने इसको जारी रखना। नाज़रीन, हमारा शुगर, कोलेस्ट्रॉल और स्लिमिंग का जो था, स्लिम होने का जो प्रोग्राम था, उसके मुताबिक ये रेसिपी आपके सामने हाजिर है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल तैयार है, और ये आपकी 2 दिन तक ये चल सकती है। जब भी आपको प्यास लगे, दूसरे सादा पानी के बजाय आप इसको पी सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये 2 टीस्पून जो है ये मैंने इसके रखे थे बेसल सीड्स के, ये भी आप इसमें डाल दें। ये 1 घंटे तक ये हो जाएंगे नरम, तो उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेशक 2 दिन तक इसको यूज करें और दूसरे पानी की जगह इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो मुझे इजाजत दें, इसके बाद मैं एक और आपको बताऊंगी रेसिपी, कह लें या उसको टोटका कह लें। मैं दो, जिस तरह का मैंने कहा था कि मैं 2 डालूंगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें और इसको यूज करें, और मुझे बताएं कि आपके ऊपर इसका क्या इफेक्ट हुआ है। ये स्लिमिंग ये डाइट के लिए भी है, यानी डाइटिंग करने के लिए भी है। जी, मुझे इजाजत दें, अस्सलाम वालेकुम।